दही निहार मुख खाना चाहिए, नाश्ते में इस्तेमाल करना चाहिए, नाश्ते के बाद खाना चाहिए। जो प्रोटीन है दूध में भी वो है, दही में भी ऑलमोस्ट वो है, लेकिन एक चीज जो दही में एडिशनल है जो दूध में नहीं होती वो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स है। इवन जो हमारा मूड एलिवेटर एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन है सेरोटोनिन, वो भी 70% जो है ना वो गट में बनता है, 30% धूप के असर से बनता है। और उस गट माइक्रोफ्लोरा में जो सबसे अच्छी उनके लिए जो चीज आप दे सकते हैं वो दही है। दही को योगर्ट मिलता है ना बाजार में से, जो योगर्ट कहते हैं, ये पुराने दही से नहीं बनता, इसके अंदर बैक्टीरिया डाले जाते हैं। सही। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तैयबा भट्ट। नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दही के हवाले से कि दही कब खाना चाहिए। मोस्टली लोग कहते हैं कि दही अगर सुबह सवेरे खाया जाए तो बड़ा फ़ायदा होता है। अब ये सुबह सवेरे निहार मुख खाना चाहिए, नाश्ते में इस्तेमाल करना चाहिए, नाश्ते के बाद खाना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। आपको मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब दही के बारे में बड़ा सुना है कि बड़ी मुफीद है ये, तो इसका इस्तेमाल लोग करते हैं लेकिन कुछ निहार मुख खाते हैं, कुछ नाश्ते में ले लेते हैं, कुछ नाश्ते के बाद, तो बेहतरीन तरीका क्या है जिससे फ़ायदा आपको ज़्यादा हो? दही अल्लाह ताला ने जो बहुत ही सेहत बख्श मज़ेदार और ज़्यादा लोगों की पसंदीदा की जो जो खाने हैं ना, जो खुराक है, उनमें से इंतहाई न्यूट्रिशियस फूड उनमें से एक दही है। दही में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इवन अगर कंपेयर करें ना दूध और दही को तो वो भी बड़ा मज़ेदार मुकाबला है। बिल्कुल। जो प्रोटीन है दूध में भी वो है, दही में भी ऑलमोस्ट वो है। कैल्शियम अवेलेबल दूध में भी है, दही में और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो दही में एडिशनल है जो दूध में नहीं होती वो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे मुफीद जरासीम जो कि हमारे गट माइक्रोफ्लोरा जिसे आमतौर पर आजकल कहते हैं, लेकिन आम लोगों को समझाने वाली बात यह है कि जो हमारा जो बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत के अंदर जो ज़्यादातर हम खाने के अंदर जो नमकियात है और ग़िज़ाइयत है वो वहाँ जज्ब होती है, और उसको जज्ब करने से पहले जो वहाँ जरासीम है बैक्टीरिया वो उसको खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है, फिर वो जज्ब होती है। तो वो जो खाना हमारे जिस्म को लगता है वो उस गट, इसको गट कहते हैं बड़ी आंत के उस खास हिस्से को जिसके अंदर खुराक जज्ब होती है, और हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी सेहत है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल। इवन जो हमारा मूड एलिवेटर एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन है सेरोटोनिन, वो भी 70% जो है ना वो गट में बनता है, 30% धूप के असर से बनता है। तो ये गट माइक्रोफ्लोरा इतना इम्पॉर्टेंट है, और उस गट माइक्रोफ्लोरा में जो सबसे अच्छी उनके लिए जो चीज़ आप दे सकते हैं वो दही है। दही। तो दही जो है ना इसके अंदर वो प्रोबायोटिक्स होते हैं जो उसके लिए बड़े यूज़फुल हैं और उसके इजाफा करते हैं। तो जो बंदे रेगुलर दही खाते हैं उनका गट माइक्रोफ्लोरा ठीक होता है, यानी उनका खुराक को हज़म करना और उन खुराक को जुज़्वे बदन बनाना जो आप लफ्ज़ों में कह लेंगे वो ज़्यादा बेहतर। अभी दही खाना किस टाइम है, क्योंकि लोग जो है वो रात में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नाश्ते में भी खा लेते हैं, इसको निहार मुँह भी खा लेते हैं, किस तरह से इसको लोग इसको हंडिया में भी बनाते हुए भी डाल देते हैं, तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या है? दही एक ऐसी चीज़ है कि जिसको किसी टाइम भी खा सकते हैं। अच्छा। बहुत सारी खुराक ऐसी होगी, दूध के मतलब बहुत सारे लोगों का है कि रात को नहीं पीना, नहीं पीना। बहुत सारे कहते हैं रात को ही पीना है। अच्छा, इसी तरह मॉर्निंग में भी कहते हैं कि नाश्ते में करना है या नहीं करना, लेकिन दही ऐसी चीज़ है जो आप खाली पेट भी खा सकते हो, जो आप नाश्ते में भी खा सकते हो, जो दोपहर को या किसी टाइम पे उसको एज ए लस्सी के तौर पे भी बना के वो भी पी सकते हो। दोपहर के खाने के साथ आप पुदीना चटनी में दही डाल के वो भी खा सकते हो, खाने के साथ रायते के तौर पे भी दही खा सकते हो और वो ठीक है। अच्छा। और उसके अलावा फिर इवन रात के खाने के साथ भी दही या जो रायता है वो खाया जा सकता है, और बहुत लेट नाइट पे भी कुछ मैंने ये बहुत आ रहा था कि तो मैंने कुछ स्टडी की कि क्या लेट नाइट भी अगर आपको दही खाना आपको पसंद हो तो खा सकते हैं, जी वो भी खा सकते हैं। अच्छा। ये दही एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है जिसको आप, अच्छा अब ये कि हो सकता है
किसी एक शख्स को एक टाइम ज्यादा उसको मजा आए या सूट करे, उस टाइम कम आए, जो ज्यादा ट्रेंड है वो सुबह नाश्ते में और पहले में खाना है वो ठीक है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने उसके बाद सुबह ही न्यूट्रिएंट ले ली, एनर्जी ले ली, कैल्शियम ले ली, आपने चलना फिरना है। इसको नाश्ते में भी डिफरेंट तरीके से ले लेते हैं ना, कोई मीठी लस्सी बना लेता है, कोई पराठे के साथ खा लेता है, कोई नान के साथ खा लेता है, डिफरेंट तरीके से इसको दही को यूज कर लेते हैं लोग, खा लेते हैं। देखिए ये अब ये डिपेंड करता है ना कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपने कैसे खाना है, लेकिन दही को मुख्तलिफ फॉर्म में खाया जा सकता है और ये ठीक है। अच्छा अब दही जो है ना, इसके अंदर जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है और कैल्शियम की प्रेजेंस वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है क्या वो खालस है? बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि पहले ये होता था कि लोग घरों में दही जमा लिया करते थे, घरों में बना लिया करते, मैंने अपनी मम्मी को भी बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन अब आजकल जो हम बाहर से भी दही लेके आते हैं वो भी उस तरह से नहीं होती, बहुत एक या तो पतला होता है दही, या तो दही के ऊपर मलाई नहीं होती, दही की शक्ल देख के ही लगता ही नहीं है दही है, ऐसा लगता है दूध है। अच्छा उसमें ना योगर्ट और कर्ड दोनों मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि कर्ड और योगर्ट एक ही चीज़ है, इंग्लिश के दो नाम है, नहीं मुख्तलिफ है। जो कर्ड है वो ये है कि जो हम घर बनाते हैं, जो किसी तरीके से भी आप बनाते हैं, खट्टा लगा के बनाते हैं या उसमें दही रात का डाल दिया, लस्सी डाल दी, और इसके अलावा भी चीज़ों से बनाया जा सकता है, वो कर्ड है। लेकिन जो योगर्ट है ना, योगर्ट मखसूस बैक्टीरिया के साथ बनाया जाता है। अच्छा, ये जो जो हमें दही मिलता है, जिसको योगर्ट मिलता है ना बाजार में से, जो योगर्ट कहते हैं, ये पुराने दही से नहीं बनता, इसके अंदर बैक्टीरिया डाले जाते हैं। सही, जो दो बैक्टीरिया वो डाले जाते हैं वो इसको परफेक्टली उसका बनाते हैं। अब वो दो बैक्टीरिया कौन से हैं? उनके नाम इस वक्त मुझे जहन में नहीं आ रहे एग्जैक्टली, लेकिन वो जो ये जो प्रोबायोटिक्स हम खाते हैं ना, ये उनके अंदर भी होते हैं। अच्छा अब वो कहते ये है कि दही अपनी जगह, योगर्ट अपनी जगह जो ना, लेकिन ये दोनों ठीक है। और एक सवाल है मेरे जहन में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम दही खाएंगे तो हमें सुस्ती आ जाती है, मीठी लस्सी पीने के बाद नींद आ जाती है, और मीठी लस्सी पीने के बाद वाकई आती है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, तो ये अब ये क्या सीन है? दही आप जब खाते हो तो क्या उससे दही के साथ कोई भी आप लस्सी बना के पी लो या वैसे खा लो तो सुस्ती क्यों चढ़ती है? सुकून आवर है ना, एनर्जी मिलती है ना, जब एनर्जी मिली हमें तो एनर्जी मिली तो वो थोड़ा सुकून देती है आपको ना, तो वो थोड़ा सा उसकी वजह से बंदे स्लो हो जाते हैं, तो वो कोई नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। दूसरा है कि हम चूँकि आदी हैं ना कैफीन के, बहुत ज़्यादा आदी हैं हम, चाय या कॉफ़ी के बहुत आदी हैं, और चाय या कैफी जो ना वो चुस्त करती है मेंटली तौर पे, तो जब ज़ाहिर है लस्सी दही करते तो हम वो साथ वो नहीं लेते, तो इसलिए फिर उसका इफेक्ट भी आता है, लेकिन ज़्यादा मसला ये है कि ये सुकून आवर है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, जिन्होंने हमें बताया कि दही आप खा सकते हैं, अगर आप इतदाल में खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दही खाने का कोई टाइम नहीं है, और जो लोग नहीं खाते हैं वो अपने बालों में उसको लगा कर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और दही बहुत बेहतरीन ग़ज़ा है अगर आप इसको लेते हैं। और जो सवाल थे हमारे जहन में, बहुत सारे लोगों के जहन में भी था कि सुस्ती होती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जिन्होंने बताया कि उससे क्या होता है कि आपको एनर्जी मिल रही होती है, तो परेशान नहीं होना, दही खाएं, बेशुमार नहीं इतदाल में खाएं, मैं कहने वाली थी बेशुमार खाएं, लेकिन इतदाल में खाएं, और तवाना रहें, चुस्त रहें, और हेल्दी हेल्दी फूड खा के अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं। कोई सवाल है आपके जहन में, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपको देंगे उसका जवाब। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।